मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, इससे मुतालिक क्वेश्चन आपका. क्वेश्चन नंबर वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड अ नेचुरल डिजास्टर. ठीक है, नॉट के ऊपर इसमें जोर दिया है कि कौन सा ऐसा है जो नेचुरल डिजास्टर में नहीं होता. तो अर्थक्वेक, इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं उन्होंने कहा है कि क्या अर्थक्वेक वो चीज़ है जो नेचुरल डिजास्टर में काउंट नहीं होती, फ्लड है, टेररिज्म है या हरिकेन है. तो इससे तो खुद ही आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, लॉजिकल क्वेश्चन है. क्या होगा इसका आंसर? टेररिज्म. ठीक है, टेररिज्म जो है वो नेचुरल हज़ार नहीं, कुदरती तौर पर नहीं होता बल्कि मैन मेड है. तो यही इन्होंने आंसर किया है कि नेचुरल डिजास्टर्स आर इवेंट्स दैट आर कॉज्ड बाय नेचुरल प्रोसेसेस और फिनोमेना. बेटा अब जो क्वेश्चन लाओ ना उसमें आंसर छुपा लेना, ठीक है, ताकि मैं सबसे पूछूं वरना क्वेश्चन सामने आएगा, आंसर तो नजर आ रहा है. ठीक है, नेचुरल डिजास्टर्स आर इवेंट दैट आर कॉज्ड बाय नेचुरल प्रोसेसेस और फिनोमेना सच एज जियोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल और मेट्रियोलॉजिकल इवेंट्स. टेररिज्म ऑन द अदर हैंड इज अ मैन मेड डिजास्टर. ठीक है, इंसान का बनाया हुआ डिजास्टर है, कॉज्ड बाय डेलिबरेट एक्ट्स ऑफ वॉयलेंस. ठीक है, जो भी जुर्म किया जाता है या मुजरिमाना जो हरकत होती है उसी को कहते हैं आप टेररिज्म. व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट. ये प्राइमरी गोल क्या होता है डिजास्टर मैनेजमेंट अब आपका कर रहे हैं और उसमें प्राइमरी गोल उन्होंने पूछा. ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं, मिनिमाइज और प्रिवेंट द अकेरेंस ऑफ डिजास्टर्स. ठीक है, या तो मिनिमाइज किया जाए या प्रिवेंट किया जाए अकेरेंस ऑफ डिजास्टर्स को, रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर्स ऑन पीपल एंड प्रॉपर्टी. ठीक है, रिड्यूस किया जाए, इसके असरात को ख़त्म किया जाए पीपल एंड प्रॉपर्टी पे से, प्रोवाइड फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन, कुछ जो है वो मॉनिटरी कुछ हेल्प कर दी जाए, फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन कर दिया जाए मतलब डिजास्टर विक्टिम्स को, या असाइन ब्लेम फॉर द अकेरेंस ऑफ डिजास्टर. तो क्या इसके अंदर से प्राइमरी गोल होता है? प्राइमरी का मतलब सबसे पहला जो है आपका गोल क्या होगा प्राइमरी? तो प्राइमरी है, आप लोगों ने जो गैस किया वो बी. चले देख लेते हैं इसका आंसर. जी हाँ, बी, रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर्स ऑन पीपल एंड प्रॉपर्टी. सबसे पहले यही कोशिश की जाती है कि रिड्यूस किया जाए इसका जो इम्पैक्ट आ रहा है इसके असरात को, जितना लोगों इससे मुतासर हो चुके हैं. द प्राइमरी गोल ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इज टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर्स ऑन ह्यूमन लाइफ, प्रॉपर्टी एंड द एनवायरमेंट. दिस इंक्लूड्स preparedness, response, recovery and mitigation measures aimed at reducing and vulnerability of communities and ensuring effectiveness response during disasters. ठीक है, इसकी कमजोरी इसकी वजह से जो आ जाती है लोगों को फौरी मदद फराहम करनी, उनको टेंट वगैरह देने, उनको जो इस तरह की फौरी उनकी जरूरियातें जिंदगी हैं वो उनको प्रोवाइड करनी, ये तमाम चीज़ें इसमें की जाती हैं. Which phase of disaster management involves activities such as evacuation, search and rescue and providing emergency relief to affected populations, preparedness, mitigation, response, recovery. कौन सा phase इसमें ऐसा होता है जो फौरी तौर पे जो है वो किया जाता है, इसका part है management का, disaster management का. हालांकि ये सारे जो है ये phases हैं, लेकिन response एक ऐसा phase है जो फौरी तौर पे, जो फौरी response हम करते हैं कि फौरी तौर पे हमें ये वाली चीज़ें प्रोवाइड करनी है या फौरी तौर पे हटाना है. तो द रिस्पॉन्स फेज ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स इमीडिएट एक्शंस टेकन ड्यूरिंग द इमीडिएटली आफ्टर अ डिजास्टर टू सेव लाइव्स, प्रोवाइड एमरजेंसी रिलीफ एंड स्टेबलाइज द सिचुएशन. दिस इंक्लूड्स एक्टिविटीज लाइक इवैक्यूएशन, निकालना लोगों को, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, मेडिकल असिस्टेंस एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल सप्लाईज टू अफेक्टेड पॉपुलेशंस. इसके बाद जो क्वेश्चन आपका आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर. ठीक है, इसके अंदर आपसे पूछा है कि जनाब अब आप ये बताइए कि टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर जो है ये कौन सा, इसमें से जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं वो है ड्रॉट, वाइल्ड फायर, न्यूक्लियर एक्सीडेंट या सुनामी. तो कौन सा हो सकता है? न्यूक्लियर हो सकता है, ठीक है, बाकी सारे जो हैं वो नेचुरल हैं. ड्रॉट जो है इसका मतलब होता है कहत साली होना, कहत पड़ जाना, यानी वहाँ आपके पास जो है वो मैसर नहीं है, क्या कहते हैं, गज़ा मैसर नहीं है, पानी मैसर नहीं है, इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं यानी ड्रॉट. और दूसरा ये कहते हैं वाइल्ड फायर, आग जो जंगल में आग एकदम से लग जाती है वो भी नेचुरल है, और इसके अलावा जो सुनामी है वो भी नेचुरल है. तो न्यूक्लियर एक्सीडेंट ऐसा है जो मैन मेड है. तो देख लेते हैं हम टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर्स या टेक्नोलॉजी के लिहाज से है, आर डिजास्टर्स दैट अगर एज अ रिजल्ट ऑफ फेलर्स और एक्सीडेंट्स इन्वॉल्विंग टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल प्रोसेस. अ न्यूक्लियर एक्सीडेंट सच एज चेर्नोबिल डिजास्टर इज एन
example of a technological disaster. Kisi ko yaad hai Chernobyl mein kya hua tha? Chernobyl kahan ka ilaka hai? Chernobyl Russia ka ilaka hai, theek hai? Aur Russia jo hai wo apne arms and ammunition ke liye hamesha se mashhoor hai. Jab ye Ukraine jo tha Russia ka hissa tha, to us waqt yahan ke upar nuclear jo reactions the wo karwaye ja rahe the, aur fir wahan ke upar 28 April I think jo date hai 1986 ko Chernobyl ke andar jab ye log apne kaam mein masroof the to kuch reactions kara rahe the, जिसकी वजह से वहाँ जो न्यूक्लियर रिएक्शन से एक ज़ोरदार धमाका होता है और वहाँ जितने वर्कर्स थे उसी वक्त जो है वो हलाक हो जाते हैं. फिर जो है रात का टाइम था क्योंकि, तो लोग जो थे इर्द गिर्द के उन्होंने चिंगारियाँ या जो कहते हैं कि वो जो स्पार्किंग्स होती हैं वो देखी वहाँ के ऊपर और नज़र आया. और उसके बाद ये पता चला कि इतने ज़्यादा सीरियस नहीं थे लोग और हुकूमत ने भी इतना ज़्यादा सीरियसनेस शो नहीं की, बताया नहीं कि हुआ क्या है, ठीक है. और उन्होंने कहा हम हालात को कंट्रोल कर लेंगे, सब होंगे. अलबत्ता जो वहाँ के अंदर के लोग थे वो सारे मर गए थे, मजदूर वगैरह जो भी काम वर्कर्स वहाँ कर रहे थे. और उसके बाद ये हुआ था कि आहिस्ता आहिस्ता वो रेडिएशन फैली थी और यहाँ तक कि आस पास के जो इलाके थे जो दूसरी कंट्रीज़ में आते थे उनके लोग जो थे वो भी इससे मुतासर हुए. और जब वहाँ एकदम से बीमारियाँ फैलें और उनका जब जो है वो वजह पता लगाई गई कि ये क्या हो रहा है अचानक से इतने लोगों को जो है इस तरह की बीमारियाँ फैल रही हैं. अच्छा कुछ लोगों को जो करीबी इलाके के लोग थे उनको तो स्किन वगैरह उनकी पिघलनी शुरू हो गई थी या आँखें जो है वो सूज रही थी या इस तरह की कुछ कंडीशन हो गई थी, लेकिन जो दूर के इलाके थे उनको भी जो बीमारियाँ हो रही थी पता लगाया गया. तो ये पता चला कि वो रेडिएशन की वजह से जो रेडिएशन यहाँ से खारिज हुई थी. और अब चेर्नोबिल का इलाका जो है वो एक जिसे कहना चाहिए कि जो एक पहले जीता जागता शहर हुआ करता था वो अब जो है वो क्या बन चुका है, बिल्कुल गोस्ट हाउस यानी इस तरह से जो है वो बन चुका है. यानी वहाँ के ऊपर बिल्डिंग्स आपको नज़र आएंगी और मशीनरी चीज़ें वगैरह नज़र आएंगी लेकिन लोग वहाँ नहीं होते क्योंकि वहाँ जो है रेडिएशन वगैरह इतनी फैल चुकी हैं. उस पर बड़ी कंट्रोल करने की कोशिश की गई. अच्छा पूरा का पूरा ये जो आपका रिएक्टर था इसके बाद इसको सोचा गया कि किस तरह इस पर काबू पाया जाए और इसकी रेडिएशन जो है वो ख़त्म की जाएँ, तो ऐसे कुछ समझ में नहीं आया. साइंटिस्ट से भी पूछा गया कि भाई इसका फ़ौरन नेमल बदल इसका इलाज क्या किया जाए, तो फौरी तौर पे तो कुछ समझ में नहीं आया. सिर्फ इसका इलाज ये समझ में आया कि इसको ज़मीन में दबा दिया जाए, मिट्टी के नीचे यानी इसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाए तो हो सकता है कि इसका रेडिएशन थोड़ा कम हो जाए. तो काफ़ी हद तक इस पर जो हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए से और डिफरेंट तरीके जो मेथड अपनाए गए और उसको जो है वो मिट्टी उसके ऊपर डाली गई, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो इतनी ज़्यादा रेडिएशन को काबू नहीं किया जा सका. और कुछ हद तक काबू हुई लेकिन पूरी तरह तरीके से नहीं किया जा सका. और उसके लिए भी अंदाज़ा लगाया गया कि कई गुना इससे ज़्यादा अगर मिट्टी इसके ऊपर डाली जाती तो फिर जो है वो उसको काबू थोड़ा बहुत किया जा सकता था मज़ीद फैलने से. तो बहरहाल रेडिएशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक किस्म की चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा असर डालती है. तो ये चेर्नोबिल का हादसा जो था इसके लिए मशहूर न्यूक्लियर एक्सीडेंट था, 1986 में हुआ. बता दी मैंने डेट आपको, 28 अप्रैल थी शायद. चलिए जनाब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेशनल रिस्पॉन्स एफर्ट्स ड्यूरिंग मेजर डिजास्टर्स. कौन सी जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कोऑर्डिनेट करने के लिए इंटरनेशनल रिस्पॉन्स फौरी देती है नेचुरल डिजास्टर्स के अंदर? यूनाइटेड नेशंस है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट मूवमेंट है या फेडरल एमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी है? कौन सी है इनमें से? कौन सी कहा? फेडरल एमरजेंसी मैनेजमेंट. इन्होंने कहा है फेडरल एमरजेंसी. क्या सब लोग इनसे एग्री करते हैं? और इसके अलावा गैसेस? WHO किसी ने कहा? और बी कह रहे हैं, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन. चलिए देख लेते हैं इसका आंसर. वैसे है यूनाइटेड नेशंस, ठीक है. ए था इसका आंसर यूनाइटेड नेशंस. यूनाइटेड नेशंस प्लेस अ की रोल इन कोऑर्डिनेटिंग इंटरनेशनल रिस्पॉन्स एफर्ट्स ड्यूरिंग मेजर डिजास्टर्स. द UN थ्रू इट्स वेरियस स्पेशलाइज एजेंसी सच एज WHO एंड द यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स OCHA, ठीक है. इसका मतलब है ऑफिस ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स OCHA हेल्प मोबिलाइज रिसोर्सेज कोऑर्डिनेट रिलीफ एफर्ट्स, ठीक है. कोऑर्डिनेट करती है रिलीफ फौरी पहुंचाने में, प्रोवाइड सपोर्ट प्रोवाइड करती है टू अफेक्ट कंट्रीज, जो भी अफेक्टेड एरिया होते हैं जो अफेक्टेड कंट्रीज होती हैं उनकी फौरी तौर पर मदद करती है. कौन? यूनाइटेड नेशंस. ये याद रहे, ठीक है. यूनाइटेड नेशंस जो है वो फौरी तौर पर कोऑर्डिनेट करता है
इसके साथ दीज एमसीक्यूज कवर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम्स इंक्लूडिंग टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स एंड द गोल ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट फेजेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन ड्यूरिंग डिजास्टर्स. हम अब आ जाते हैं अर्थक्वेक की तरफ. ठीक है, अर्थक्वेक के लिए मैं थोड़ा सा आपको बता चुकी हूँ कि पहले से हमें नहीं पता चल सकता कोई ऐसा अभी तक आला, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट, कोई ऐसी चीज़ अभी तक दरियाफ्त नहीं हुई जिससे हम पहले से पता लगा लें कि आने वाले दिनों में खुदा ना करे जलजला आने वाला है. ठीक है, सिर्फ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको देख के हम थोड़ा बहुत अंदाज़ा कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको कहा था कि ये आपकी बुक्स के अंदर ही लिखा हुआ है फ्लाइंग फिशेस. ठीक है, कि फिश अगर हमें देखे कि समंदर से थोड़ा सा जो समंदरी इलाके हैं कि उनके ऊपर अगर हम मछलियाँ हमें ऊपर फ्लाई करती हुई नज़र आ जाएँ, यानी कि वो जंपिंग कर रही हैं इतनी ऊंची कि वो वाजे तौर पे हमें लग रहा है कुछ अनोखा, कुछ अलग सा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है. ठीक है, तो जब ये वाली कंडीशन नज़र आएगी तो इसका मतलब है कि ज़मीन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने वाली, कहीं एपी सेंटर क्रिएट हो चुका है जो मछलियाँ फील कर रही हैं और वो फील करके उनके अंदर जो बेचैनी है वो इतनी जंपिंग कर करके फ्लाइंग फिशेज जो हमें नज़र आ रही हैं तो ये यहाँ पे ज़मीन के अंदर कुछ ना कुछ मौजूद है. और ये हमेशा उस जगह पे होता है, याद रखना कि जहाँ दो प्लेट्स टेक्टोनिक प्लेट्स आपकी मिल रही है वहाँ के ऊपर ऐसा होता है कोई जगह एपी सेंटर क्रिएट हो जाती है. और ये किस वजह से होता है कि जो इसके नीचे आपकी सबसे ऊपर क्रस्ट होता है, मैंने बताया था ज़मीन के ऊपर वाली जो तय होती है इसको क्या बोलते हैं क्रस्ट, जिसके ऊपर हम चल पे रहे हैं. और इसके फौरी नीचे कौन सा होता है, सबसे ऊपर वाला लिथोस्फीयर और उसके फौरी नीचे वाला मैंने कहा था पेस्ट की तरह का होता है, याद है क्या था वो, एस्टेनोस्फीयर. एस्टेनोस्फीयर में से वो निकलने की कोशिश कर रहा होता है, कहीं से एपिस सेंटर कोई क्रिएट हो जाता है कोई एक पॉइंट, कोई एक नुक्ता, और वहाँ से वेव्स निकलनी शुरू हो जाती है. कौन सी, प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स. ठीक है, प्राइमरी वेव्स जब निकलनी शुरू होती हैं और फिर वो बढ़ती हैं, सेकेंडरी वेव्स बनती हैं और वो हिलाती हैं इस जगह ऊपर को, तो वो जलजला महसूस होता है. वॉट इज़ एन अर्थक्वेक, अ सडन रिलीज ऑफ एनर्जी इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, अ रैपिड मूवमेंट ऑफ ओशनिक टाइड्स कॉज्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्सेज, द शेकिंग और ट्रैम्बलिंग ऑफ अर्थ सर्फेस ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, अ वोल्केनिक इरप्शन एकॉम्पेंड बाय लावा फ्लो. ठीक है, ये मैंने अभी बता ही दिया आपको, तो ये मुझे बताना बाद में बताना चाहिए था. ठीक है, जल्दी बता गई. द शेकिंग ऑफ और ट्रैम्पलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, एक्सप्लेनेशन इसका है एन अर्थक्वेक इज अ सिस्मिक इवेंट. ठीक है, सिस्मिक इवेंट होता है, जो मैंने भी बताई दो तरह की वेव्स निकलती हैं, कौन कौन सी, एस वेव्स और पी वेव्स. ठीक है, जो है पहले निकलेंगी और प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स जो आपकी कहलाती है. The earthquake is a seismic event that occurs when there is a sudden release of energy in the earth's crust resulting in the shaking or trembling of earth's surface. This shaking is caused by the movement of tectonic plates which are large pieces of earth's lithosphere that interact along the plate boundaries. ठीक है, plate boundaries के ऊपर इस तरह की वो खिसकती हैं, एक दूसरे से आप ऊपर से नीचे होती हैं और इस तरह की चीज़ें होती हैं. Which scale is commonly used to measure the magnitude of an earthquake? कौन सा ऐसा स्केल है जिसके ऊपर जो है वो अर्थक्वेक को नापा जा सकता है. ठीक है, ये खबरों में आप न्यूज़ में आप सुनते रहते हैं और कुछ कुछ आइडिया आपको होगा. ये कह रहे हैं पहला इन्होंने कहा है रिक्टर स्केल, दूसरा कहा है बेओफोर्ड स्केल, तीसरा कहा है साफिर सैमसन स्केल और चौथा कहा है इन्होंने फ्यूजीटा स्केल. तो कुछ जो है आप गैस करें कौन सा हो सकता है इसमें से. ए कहा है कुछ लोगों ने और कुछ आवाज़ डी भी आई थी, तो वो है रेक्टर स्केल. रेक्टर स्केल पे इतना जलजले की शिद्दत इतनी नापी गई मसलन, तो वो रेक्टर स्केल ही कहलाता है जिसके ऊपर आपको ये बताया जाता है न्यूज़ में अगर बता रहे होते हैं तो. रेक्टर स्केल पे जलजले की शिद्दत इतनी रही मसलन, मैंने कहा कि हमेशा देखो ज़मीन के अंदर जो है हरकत मौजूद है, अभी जो हम खड़े हुए हैं, अभी जो हम बात कर रहे हैं, तो भी ज़मीन के अंदर हरकत मौजूद है, यानी कुछ ना कुछ जलजला या कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ इसके अंदर मौजूद है, लेकिन वो इतनी कम नौइयत की है कि हम लोग फील नहीं कर पा रहे. जब ये उस नौइयत से ज़्यादा होती है तब हमें फीलिंग शुरू होती है. ठीक है, तो उस वक्त जो फीलिंग होती है उसको हम नापते हैं बाकायदा, और वो नापते हैं हम रेक्टर स्केल के ऊपर. तो इसका जो पैमाना है या मेजरमेंट आप कह लें वो क्या है, रेक्टर स्केल है. ठीक है, रेक्टर स्केल पे हम इसकी शिद्दत का अंदाज़ा लगाते हैं. जी आगे बढ़ाइए. द रेक्टर स्केल इज़ कॉमनली यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड और एनर्जी रिलीज बाय एन अर्थक्वेक. इट प्रोवाइड्स अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ अर्थक्वेक साइज बेस्ड ऑन एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड यानी तूलो अर्थ ऑफ सेस्मिक वेव्स रिकॉर्डेड बाय सेस्मोग्राफ. सेस्मोग्राफ्स के जरिए से हम ये मेजर कर लेते हैं. द स्केल इज लॉगरिथमिक
means that each whole number increase to vector scale represents a tenfold. Tenfold ka matlab hota hai 10 guna increase in amplitude and approximately 31.6 times more energy release. ठीक है? तो जो एक अगर आप ऊपर जाएंगे तो 36.6 जो टाइम्स है वो एनर्जी जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी. यानी उसका एक एक जो आप काउंट करते हैं कि इतना ज़्यादा हो गया, इतनी शिद्दत कम है, तो वो चीज़ बता रहे हैं. ठीक है, 10 गुना होती है तकरीबन. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आ जाते हैं. विच टाइप ऑफ अर्थक्वेक अकर्स ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स अलोंग द फॉल्ट लाइन. ये जब मैं पढ़ा रही थी आपको प्लेट बाउंड्रीज, उस वक्त मैंने आपको बताया था कि फॉल्ट लाइन के साथ जब होता है तो किस तरह से होता है. नंबर 1 वोल्केनिक अर्थक्वेक, नेक्स्ट इन्होंने कहा इंड्यूस अर्थक्वेक, इसके बाद इन्होंने कहा इंट्राप्लेट अर्थक्वेक या टेक्टोनिक अर्थक्वेक. जी, तो इसका क्या हो सकता है? डी हो सकता है. डेफिनेटली टेक्टोनिक प्लेट्स की बात हो रही है तो टेक्टोनिक प्लेट्स ही हो सकती हैं इसकी वजह जो है. टाइप ऑफ अर्थक्वेक अगर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स अलॉन्ग फॉल्ट लाइन. फॉल्ट लाइन मैंने बताया था, फॉल्ट लाइन क्या होती है? जो दोनों प्लेट्स साथ हो रही होती हैं वो खिसक जाती हैं, ज़रा सी ऊपर एक ऊपर नीचे हो गई या इस तरह से ये वाली ऊपर ये वाली नीचे हो गई, तो इस तरह से फॉल्ट्स क्रिएट होते हैं और वो फॉल्ट जो है वो जलजले का बाइस बनते हैं. टेक्टोनिक झटके जिसे हम कहते हैं महसूस होते हैं, तो इस तरह की कंडीशन. टेक्टोनिक प्लेट्स अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स अलॉन्ग अ फॉल्ट लाइन. दीज आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्लेट्स. दीज रिलीजेस टू अक्यूमुलेटेड स्ट्रेस अलॉन्ग द फॉल्ट लाइंस रिजल्ट्स इन सेस्मिक वेव्स दैट कॉज द ग्राउंड टू शेक. इसके बाद क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एपी सेंटर ऑफ एन अर्थक्वेक. अभी अभी मैंने बताया था द पॉइंट ऑफ द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस ऑफ द अर्थक्वेक, द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थक्वेक्स फोकस विद इन द अर्थ, द रीजन ऑफ इंटेंस शेकिंग ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, द एरिया ऑफ लैंड वेयर द अर्थक्वेक अकर्ड. क्या हो सकता है इसमें से? क्या हो सकता है? सी हो सकता है, किसी ने कहा बी हो सकता है और इसका सही आंसर है ए. ठीक है, देख लेते हैं हम. ए द पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस, जो एपी सेंटर है बिल्कुल उसके जो जहां से वो क्रिएट हो रहा है उसके ऊपर की जो जमीन की सतह होगी जहां के ऊपर से हम वो नापेंगे पता चलेगा कि इसका ओरिजिन कहां से. ठीक है, तो वो जगह जो है वो एपी सेंटर कहलाती है, वहां से स्टार्ट हुआ है. द एपी सेंटर ऑफ एन अर्थक्वेक इज द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस विच इज लोकेशन विद इन द अर्थ वेयर द अर्थक्वेक originate, seismic waves radiate out from the focus causing the ground to shake more intensely at the epicenter. ठीक है, बाज़ोकात ये epicenter इस वजह से भी बन जाता है कि हम drilling कर रहे होते हैं. ये भी मैंने पता नहीं बताया था आप लोगों को, शायद जहन में हो आपके, कि बाज़ोकात epicenters किस वजह से create हो जाते हैं. ज़्यादातर जो है वो natural causes होते हैं जो कि fault आपको बताए या इस तरह की चीज़ें बताई epicenter create हो जाना, लेकिन कभी कभार man-made भी होते हैं और वो इस तरह से होते हैं कि हम पेट्रोल के लिए drilling कर रहे हैं, मतलब हम कुआं खोद रहे हैं या कुछ ऐसा, और उससे क्या हुआ कोई एक पॉइंट मिल गया उसको निकलने का, नीचे से जो वो भी अपना प्रेशर डाल रहा था ना, नीचे भी आपको पता है ज़िंदगी मौजूद है और वो भी बाहर निकलने के लिए बेताब जिसे कहना चाहिए कि वाली कंडीशन, और वो मोड़ी वो जगह जो है वो थोड़ा सा वो टच हुई और ये हुआ और फौरन क्या हुआ, ऊपर से हम ड्रिलिंग कर रहे हैं, नीचे से वो निकलना चाह रहा है बाहर और उसको जगह मिल गया और उससे वो जो एपी सेंटर क्रिएट हुआ उसने एस वेव्स पी वेव्स जो है आपकी वो निकाली और ज़मीन में जलजला झटका इस तरह की चीज़ें आपको महसूस हुई, तो वो ऐसा भी होता है कभी मैनमेड की वजह से भी हो जाता है. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक्स. कौन सा इसमें से कॉमन इफेक्ट है अर्थक्वेक्स का? वोल्केनिक करप्शन हो जाती है, हरिकेन आ जाता है, सुनामी आ जाता है, सोलर इक्लिप्स हो जाता है. तो आंसर तो आप दिखा ही रहे हैं बेटा. ठीक है, आंसर तो नज़र आ ही गया, सुनामी आता है. ठीक है, तो क्या है, जैसे अर्थक्वेक आता है तो उसके फौरन बाद जो है वो अपने पीछे कहते हैं कि आफ्टर इफेक्ट्स जिसे कहलाते हैं, कि आफ्टर इफेक्ट्स ये क्या होते हैं, तो आफ्टर इफेक्ट्स हमेशा याद रखना सुनामी होते हैं, कि जहां आपको झटका महसूस हुआ अगर वहां करीब में कोई समंदर है, ये हर जगह नहीं होता, अगर आपके करीब में कोई पानी वाला एरिया नहीं है तो ज़ाहिर बातें नहीं होगा, लेकिन अगर इर्द गिर्द कोई पानी वाला एरिया मौजूद है टेक्टोनिक प्लेट्स के जहाँ पर ये एपी सेंटर क्रिएट हुआ या वहाँ जलजले के झटके महसूस किए जा रहे हैं, तो जो पानी है वो फौरन उसके अंदर ज़्यादा चेंज आती है क्योंकि वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करता है, तो सुनामी जो है वो उस शक्ल में आता है, वो ऊपर आ जाता है और नीचे उसके लैंडस्लाइड्स और ये सारी चीज़ें जो है वो होना शुरू हो जाती हैं. तो ये सुनामी जो है आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं. किसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं? अर्थक्वेक के आफ्टर इफेक्ट्स हैं जो सुनामी की शक्ल में ज़ाहिर होते हैं. वन कॉमन इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक्स पर्टिकुलरली दोज अकरिंग अंडर द ओशन और नियर कोस्ट लाइंस इज जनरेशन ऑफ सुनामी. सुनामीज आर लार्ज ocean waves that can trigger by the displacement of water during undersea earthquake
These waves can travel long distances and cause significant damage when they reach coastal areas. ठीक है, यहाँ तक सुनामी आपको पता चल गया कि सुनामी कैसे आता है, अर्थक्वेक के बाद आता है और उसकी वजह यही बनती है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शुरू हो जाता है वोल्केनोस के ऊपर, और वोल्केनो में मैंने कहा था कि इस जो इसके नीचे वाला फॉरन क्वेश्चन है उससे ये पिक्चर रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैंने आप लोगों की नॉलेज के लिए ये पिक्चर लगाई है. और इस पिक्चर का मकसद ये था कि आपको वोल्केनो की डिफरेंट डिफरेंट शक्लें जो है वो पता चल जाएँ. तो एक वाला वोल्केनो वो होता है जो हम बचपन से देखते चले आए फिल्म्स में, कार्टून्स में, हर जगह हमने देखा कि एक इस तरह से स्टीप वाइज वो बना हुआ होता है और उसके ऊपर वो इस तरह होल होता है और जहाँ से वो निकल रहा होता है लावा, तो वो वाला जो होता है वो कंपोजिट वोल्केनो कहलाता है. ठीक है, लेकिन ये वाला जो वोल्केनो होता है ये भी एक तरह का वोल्केनो होता है जो डो, अगर आपने आटे का जिस तरह गूंथते हैं और वो इस तरह का वो होता है, तो उस शक्ल में जो है ये इस तरह करके जो है वो फैलता पूरा चला जाता है और ये इर्द गिर्द के एरिया में पूरा इस तरह फैल जाता है. लेकिन ये इतना ख़तरनाक होता है और इसकी इतनी इंटेंसिटी होती है कि कोई भी जो इसके अंदर चीज़ जाए या करीब भी नहीं जा सकते इसके, कि वो उनको भी इतनी हीट की शिद्दत और इस तरह से फील होता है. तो ये भी इर्द गिर्द के एरियाज़ में फैल जाता है और इस तरह भी जो है वो वोल्केनो होता है. जो आप अगर इस तरह की चीज़ नज़र आए तो समझ जाएँ कि ये वोल्केनो इधर मौजूद है. वॉट इज़ द वोल्केनो? अ लार्ज क्रेटर फॉर्म्ड बाय द इम्पैक्ट ऑफ मीटियोराइट, a deep hole in the ground caused by an earthquake, a mountain or hill with a vent through which lava, ash and gases erupt, a body of water with high salinity and no outlet to the ocean. Kya ho sakta hai? Ji, C hai, a mountain or hill with a vent, yani koi uske upar chota sa ek jagah hoti hai jahan se wo nikal raha hota hai, usko jagah mil jati hai, vent mil jata hai. लावा की शक्ल में हो सकता है, ऐश की शक्ल में हो सकता है, धुएं की शक्ल में हो सकता है, गैसेस की शक्ल में हो सकता है. ठीक है, आपने वो वाले भी देखे होंगे हॉट गीजर्स, बहुत सारी जगहों के ऊपर दुनिया में बहुत सारी जगहों के ऊपर मौजूद हैं जो हॉट गीजर्स, वहाँ से गर्म पानी निकलता रहता है. ठीक है, इस तरह की चीज़ें भी हैं, इस तरह की जगह भी हैं, और कुछ जगहों पर तो इतना गर्म पानी निकलता है कि वहाँ के ऊपर हयात जो होती है वो होना मुश्किल हो जाती है और फ़ौरन जल जाएगी कोई चीज़ उसके अंदर जाएगी, तो इतना गर्म पानी भी होता है. तो बहरहाल ये हॉट गीजर्स और हॉट ये सारी चीज़ें जो आपको नज़र आती हैं ये गैसेस होती हैं. बाज़ोख़त एक लावा जिसके अंदर से गैसेस ही निकल रही होती हैं जो बहुत ही डेंजरस किस्म की, और ऐसी गैसेस होती हैं कि उनके भी ज़्यादा करीब नहीं जाया जा सकता. वोल्केनो इज़ अ जियोलॉजिकल फीचर दैट टिपिकली टेक्स द फॉर्म ऑफ अ माउंटेन और हिल विद अ वेंट और ओपनिंग थ्रू विच मोल्टेन रॉक, लावा, एश एंड गैसेस कैन इरप्ट फ्रॉम डीप विद इन द अर्थ क्रस्ट. वोल्केनोज़ आर फॉर्म्ड बाय एक्युमुलेशन ऑफ मैग्मा, मोल्टेन रॉक बीनीथ द अर्थ सर्फेस. ठीक है, इसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि हमेशा जो आप जैसे जीएस से पढ़ते हैं तो आप नेचर से करीब हो जाते हैं, आपको पता चलता है कि हर जगह ज़िंदगी मौजूद है, ज़मीन के नीचे भी ज़िंदगी मौजूद है, जिसको ज़मीन को अंदर अंदर भूख भी लगती है, जिसकी वजह से वो जो मैग्मा वो अंदर अंदर खा भी रही है, गिर भी रहा है अंदर अंदर, वो पिघल पिघल के बाहर भी प्रेशर डाल रहा है निकलने की कोशिश कर रहा है, और जहाँ उसको मौका मिलता है वो अपने वजूद का एहसास दिलाता है. ठीक है, वॉट टाइप ऑफ वोल्केनो इज कैरेक्टराइज बाई स्टेप साइड्स एंड एक्सप्लोजिव इराप्शंस? आप ये यहाँ के ऊपर देखो, यहीं के ऊपर तुम्हें एक शक्लें नजर आ जाएगी. एक मैंने अभी डिस्क्राइब नहीं किया, शील्ड वोल्केनो. शील्ड तुमने देखी है पुरानी फिल्मों में या वैसे इस्लामिक, अगर आप जो है इस्लामियत भी आपका पेपर होता है पढ़ते हैं, तो जंगों में एक होती थी ढाल जिसे हम कहते हैं शील्ड. ठीक है, उस शील्ड से अपने आप को सेव करते थे और दूसरे हाथ में सॉर्ड होती थी जिससे फाइट करते थे. तो वो जो शील्ड होती है, बिल्कुल शील्ड को आप यूँ करके रख दें तो जो शील्ड की शेप बन जाती है उस शेप का भी वोल्केनो होता है. ठीक है, कि वो पूरा इस शेप का होता है यूं करके, ऐसे करके यूं करके होता है, ऊपर से गोल सा और इस तरह का बना हुआ, वो भी वोल्केनो होता है, इसका नाम होता है शील्ड वोल्केनो. और इसके अलावा स्टार्ट वोल्केनो कंपोजिट, तो यही वाला जो बता दिया मैंने. ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ वोल्केनो इज कैरेक्टराइज बाई स्टीप साइड्स एंड एक्सप्लोसिव इरप्शंस? तो शील्ड वोल्केनो, स्टार्ट वोल्केनो, कंपोजिट वोल्केनो, सेंडा कोन वोल्केनो. सेंडा कोन वोल्केनो वो वाला होता है जिसमें एक कोन की शक्ल ऊपर से जो है इस तरह की बनी हुई होती है, और वो आप देखेंगे कि पूरा उसके अंदर यूँ ढक्कन, आप जब जैसे आप कोई बॉटल के अंदर डार्ट लगा देते हैं ढक्कन, तो इस तरह से वो कोन की शक्ल में तो वो इस तरह से बना हुआ होता है. तो वो सेंडा कोन वोल्केनो और कैल्ड्रा वोल्केनो. कैल्ड्रा जो है वो ये वाली मिसाल थी मेरे ख्याल से, जो मैंने अभी आप लोगों को पिक्चर दिखाई थी, आई थिंक ये कैल्ड्रा की फॉर्म थी. इसके अलावा जो है वो एक और वोल्केनो भी होता है जो रिवर की शक्ल में फैलता है पूरा, यानी इर्द गिर्द के एरिया में वो बह रहा है और बह के वो इस तरह से करके अपने रास्ते बनाता है नहरों की शक्ल में, और वो जो इर्द गिर्द के एरिया में फैल जाता है, एक वो भी ये वोल्केनो की फॉर्म होती है.